और आगे बढ़ेंगे। बड़कोट में दो दिन से बर्फबारी लगातार जारी है। कल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में बर्फबारी के बाद यमुनोत्री धाम की पहाड़ियां सफेद नजर आई। खरसाली गांव के पास पहाड़ियों पर बर्फ जम गई थी और लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है। देखिए, दो दिन से लगातार यहां पर बर्फबारी जारी है। ऐसे में यमुनोत्री धाम की जो पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल सफेद नजर आई है। तो बर्फ से सफेद चादर यहां पर ढकी हुई नजर आई है और कल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। बर्फ को हटाने का काम लगातार यहां पर जारी है। वही यमुनोत्री हाईवे कुथनोर स्थित खनेड़ा के पास बंद हो गया है। ऐसे पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरने से आवाजाही यहां पर बंद हो गई है। कल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरने से यहां पर आवाजाही बाधित हो गई है, पूरी तरीके से बंद हो गई है। लगातार उसे हटाने का काम यहां पर जारी है। आपको बताएं, यमुनोत्री हाईवे कुथनोर स्थित खनेड़ा के पास ये बंद है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर उससे पहले बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया। चार धाम यात्रा शुरू होने में महज दो दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले हुई ताजा बर्फबारी ने शासन प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी, क्योंकि चारों धामों से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली। ये चारों तस्वीरें केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री धाम की, जहां हुई ताजा बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी। परेशानी इसलिए है क्योंकि अभी पहले से ही जमे मोटे मोटे ग्लेशियर को मजदूर दिन रात जुटकर हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से बर्फबारी होने से काम और ज्यादा बढ़ गया। अब आपको गंगोत्री धाम में हुई ताजा बर्फबारी की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे गंगोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। यहां आधे से एक फुट तक बर्फबारी होने से आवाजाही में परेशानी हो रही। गंगोत्री में 22 अप्रैल को कपाट खुलेंगे, लेकिन बर्फबारी ने चुनौतियां खड़ी कर दी। अप्रैल का महीना चल रहा है और गंगोत्री गौमुख मार्ग या गौमुख तपोवन आदि क्षेत्रों में सब जगह बर्फ गिर रही है और अभी भी लगातार बर्फ गिर रही है। जबकि क्या पता अभी दो दिन तक मौसम भी अभी क्या पता है बना रहेगा। और अप्रैल के महीने जो हम सब लोग गंगोत्री नेशनल पार्क के समस्त कर्मचारी हैं वो अपने कार्य क्षेत्र पर और अपने स्थान पर मुस्तैदी से तैयार हैं। इतना ही नहीं, बड़कोट में यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। परेशानी इसलिए है कि यहाँ भी 22 अप्रैल को ही माँ यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं, लेकिन बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव ग्लेशियर के पास हिमपात होने से पैदल मार्ग बंद हो गया है। यहाँ 25 अप्रैल को बाबा के कपाट खुलेंगे, लेकिन करीब 2 फीट तक हुई बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों पर पानी फेर दिया। यही आलम जोशी मठ का भी है। यहाँ भी बर्फबारी होने से यात्रा को लेकर हो रही तैयारियां प्रभावित हो रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जिसमें अभी एक हफ्ता बचा है। यहाँ भी आधा फीट तक बर्फबारी हुई है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि चार धाम यात्रा शुरू होने में दो दिन का वक्त बचा है, लेकिन चारों धाम में जिस तरह से ताजा बर्फबारी हुई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर अगले दो दिन तक अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चार धामों में यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया को आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खुल जाएंगे और इसके बाद अगले 6 महीने तक आम श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में पहुंचकर मां यमुना के दर्शन कर सकते हैं। दरअसल पुराणों के अनुसार यमुनोत्री को मां यमुना की जन्मस्थली माना जाता है और कहा जाता है कि करंदी पर्वत से सबसे पहले यमुना की जलधारा यमुनोत्री में निकली थी और यही कारण है कि यमुनोत्री को यमुना नदी का उद्यम स्थल माना जाता है। श्री यमुनोत्री धाम मां यमुना जी का जन्म स्थान है। कहा जाता है कि कलिंदगिरी मस्तके पतत मंद पूर्वज्वला, कलिंद पर्वत के मस्तक से मां यमुना जी की विरल धारा इस धराधाम में अवतरित हुई है। सबसे पहले जो कलिंद पर्वत से निकली, तो कालिंदी नाम से मां यमुना जी श्री कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी के रूप में भी विख्यात हैं। और कलिंद पर्वत से इस धरा धाम में लाने का जो श्रेय यमुना जी को गया है वो श्री जमदग्नि ऋषि को है।
उधर रुड़की में भी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। रुड़की में भी पुलिस और प्रशासन ने चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। नारसन बॉर्डर से राज्य का प्रवेश द्वार शुरू हो जाता है और ऐसे में बॉर्डर एरिया और ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस लगातार नजर रहेगी। यात्रीगण यहीं से पहाड़ों की ओर जाते हैं और चारधाम की ओर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ वो यहाँ भी स्नान करके आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो बॉर्डर एरियाज, हमारा जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनको पार्किंग की सुविधाएं मिल जाएँ, जो यहाँ रात को स्टे करके फिर आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ को चिन्हित करके कार्रवाई चल रही है और मुझे लगता है चारधाम यात्रा के लिए जो ट्रैफिक का नया प्लान भी बनाया, चीला मार्ग को 20 बार प्रयोग किया जाएगा आने के लिए, और भारी वाहन जो है रात 10 से 4 तक बंद रहेंगे, तो इससे जो है चारधाम यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। चारधाम को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है, हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यात्रा बहुत ही सुखद रहेगी लोगों की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।